नमस्कार दोस्तों, आज हम एटोमी इवनिंग केयर का सेट का डेमो करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक नारनौल में अटेली टाउन का एक फेमस सलून है और इस सलून के ओनर्स मिस्टर टिंकू सर हैं। और मिस्टर टिंकू सर के लिए आज हम एक एटोमी इवनिंग केयर का सेट का डेमो कर रहे हैं। तो लाइव डेमो आप देखिए कि किस तरीके से एटोमी के इवनिंग केयर को सेट को यूज़ किया जाए और उसके रिजल्ट देखिए आप। ओके, ये एटोमी इवनिंग केयर सेट है और इसको यूज़ किस प्रकार से करना है उसका डेमो हम आज लाइव आपको करके दिखा रहे हैं, ताकि आपको यूज़ करना हो तो इस वीडियो को देख करके आप यूज़ कर सकते हैं एटोमी इवनिंग केयर के सेट। ठीक है, ये चार ट्यूब्स हैं एटोमी इवनिंग केयर सेट की। ये डीप क्लिंजर है। डीप क्लिंजर का मेन काम होता है, सबसे पहले कोई भी मेकअप अगर आपने फेस में कर रखा है तो उसको रिमूव करना होता है, तो सबसे पहले हम डीप क्लिंजर यूज़ कर रहे हैं ताकि फेस का जो भी मेकअप है वो रिमूव हो सके। आपको जो चेहरा है थोड़ा सा किया, तो आपको धीरे धीरे यहाँ पे आपको स्मेयर अप करना है चेहरे के ऊपर थोड़ा सा लगा करके, और उसको हल्के हाथों से मसाज करना है चेहरे को हल्के हाथों से। और हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो डीप क्लिंजर का जो मेन काम होता है वो आपका फेस है उसके ऊपर किसी प्रकार का जो मेकअप है उसको रिमूव करता है, और जो डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करता है ये। तो इस प्रकार से आपको हल्के हाथों से यहाँ पे मसाज करना होता है चेहरे के ऊपर। ज़्यादा ज़ोर से रगड़ना नहीं फेस को, बिल्कुल लाइट हाथों से मसाज करना आप। ठीक है, और फिर 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आपको यहाँ पे टिश्यू पेपर से क्लीन करना है। टिश्यू पेपर है सर? टिश्यू पेपर तो नहीं है। टिश्यू पेपर से इसको क्लीन करना है या फिर गुनगुने पानी से? बिल्कुल नहीं है सर, वो पेपर है। कौन सा? विक्रम, एक पेपर नेक रोल पेपर दी। वो तो फट जाएगा आगे। हाँ हाँ, दो दो मिल जाएंगे। किसके पास? आपकी ना डॉक्टर को ले। देख ले, पूछ ले। है? देख ले। तो 2 से 3 मिनट पे आपको मसाज करना है। मसाज से क्या होगा कि आँखों को बचाना है आपको, ठीक है, नाक और लिप्स को बचा करके आपको ये मसाज करना है, ताकि जो मेकअप है उसके अंदर वो स्मियर अप हो सके आसानी से स्किन के अंदर, और जो भी इम्प्योरिटी है डस्ट पार्टिकल है वो यहाँ से रिमूव होंगे आपके। ठीक है, ठीक है, इसको स्टॉप करना है। स्टॉप कर, ऊपर स्टॉप कर। टिश्यू पेपर से आपको ये जो स्किन है इसको क्लीन करना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको YouTube से।
तो स्किन आप देख सकते हो जो भी चेहरे पर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे इजीली रिमूव हो जाते हैं, और आप स्किन का ग्लो देख सकते हो, चमक रही है स्किन। ओके, अभी आप स्किन देख सकते हो किस प्रकार से ग्लो कर रही है, और थोड़ा सा वन टाइम और यूज कर रहा हूं मैं। ओके, अगर आपने फेस के ऊपर ब्लीच करवा रखी है तो ब्लीच को रिमूव करने के लिए डीप क्लींजर का इस्तेमाल करना होता है, किसी प्रकार के मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो ये टू टाइम्स थोड़ा थोड़ा आपको यूज करना होता है, तो इस प्रकार से आपको 2 से 3 मिनट इसको स्किन के अंदर स्मीयर अप करना होता है, हल्के हाथों से रब करना, हल्के हाथों से बिल्कुल। और फिर टिश्यू पेपर से आपको क्लीन करना है। अच्छे से स्किन को साफ करना है टिश्यू पेपर से। ओके, अब इसके बाद हमें सेकंड यूज करना है फोम क्लींजर। ये फोम क्लींजर है जो कि फोम बना करके आपको चेहरे को साफ करना है 2 टाइम्स आपको। ओके, पानी का अवेलेबल है सर? पानी आ जाओ, इधर आ जाओ। स्किन को इसको यूज करने से पहले दोनों हाथों से स्किन को आपको थोड़ा सा भिगोना होगा, जैसा कि भगोना, थोड़ा सा बचे एक बार। अब एक हाथ में लो, दोनों हाथों को पानी, दोनों हाथों को आपको पानी से गिल्ला करना है। ओके, बस इतना सा लेना है और जाग बनाने, जाग बना रखा इस प्रकार से, जाग बना करके फेस पे आपको स्मेर करना, फेस को आराम से 2 मिनट यहाँ पे आपको फेस को यहाँ से साफ करना है, क्लीन करना है, हल्के हाथों से आपको क्लीन करना है फेस को। ये फोम क्लींजर है, ओके, 2 टाइम्स आपको ये हल्के हाथों से करना है, और ये जाग बनाएगा, हाथों पे जाग बना करके फिर फेस पे अप्लाई करना है, और उसके बाद इसको वॉश करना है 2 से 3 मिनट बाद, ठीक है।
आप साफ कर लीजिए पानी से। हाँ फेस साफ। अब इसको आपको फेस को क्लीन करना है यहाँ पे पानी से। दोनों आंखों को साफ कर लो एक बार। दोनों आंखों को साफ कर लो। और लेना एक बार और लेना। एक बार और करना है? हाँ एक बार। टू टाइम है। हाथ क्लीन कर लो। अब सेकंड टाइम आपको और लेना है जितना पहले लिया था आपने। ठीक है, सेकंड टाइम फोम ज़्यादा बनेगा। अभी गिला करो, पानी डालो थोड़ा। हाँ सेकंड टाइम जो झाग है वो ज़्यादा बनता है। ठीक है, हाँ लगा। ठीक है, दो यूज़ करने वाले हैं। डेढ़ सौ मंदिर है। सेकेंड टाइम फेस पे देख सकते हैं कि झाग जो है ज़्यादा बनता है, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद स्किन साफ़ हो जाती है, और डीप क्लिंजर से स्किन को साफ़ करने के बाद उसके बाद जो भी इम्प्योरिटी बची होती है फर्स्ट टाइम वो क्लीन होती है। सेकेंड टाइम फोम क्लिंजर अप्लाई करने से झाग ज़्यादा बनता है और डीपली क्लीन करता है स्किन को, वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है फेस से। ओके, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। और इसके बाद फिर हम पिलिंग जेल यूज़ करेंगे, जो कि हमारी थर्ड ट्यूब है। पिलिंग जेल जो हमारे स्किन के अंदर पोर्स होते हैं उनमें से जो भी डस्ट पार्टिकल अंदर होते हैं तो अंदर तक उसको निकालता है और स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पिलिंग जेल। ओके, बस कर लो। और उसके बाद टू टाइम्स फोम क्लिंजर यूज़ करने के बाद स्किन को क्लीन करना है आपको रनिंग वाटर या गुनगुने पानी से। ओके, थोड़ा हल्के उससे करना है, रगड़ना नहीं स्किन को। उसके बाद थोड़ा सा आपको टॉवल से इसको साफ करना है। ठीक है, बैठो जिन देखो कुछ वाह। ठीक है, दो मिनट ऑफ करके। और ये सलून काफ़ी फेमस है इस एरिया में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी हमने डीप क्लिंजर और फोम क्लिंजर का हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। और टिंकू सर के स्किन के ऊपर आप देख सकते हैं दो सिर्फ ट्यूब यूज़ करने का कितना ग्लो है और कितना रिजल्ट्स है, और फेस भी काफ़ी क्लीन लग रहा है। अब इसके बाद हम पिलिंग जेल यूज़ करेंगे और उसके बाद लास्ट में मास्क यूज़ करेंगे। ओके, अब स्किन देख सकते हो आप, सर का फेस देख सकते हो टू टाइम्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट है फोम क्लिंजर और सिर्फ डीप क्लिंजर का, कितना क्लीन फेस हो चुका है ऑलरेडी। और अभी हम पिलिंग जेल यूज़ कर रहे हैं, पकड़िए इसको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये पिलिंग जेल है और इसको स्किन के ऊपर स्मेयर अप करना है। ठीक है, और स्मेयर अप करने के बाद 5 मिनट तक आपको लगा करके रखना है, उसके बाद आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं ये निकालेगा यहाँ से। ठीक है, कितना यूज़ करना है तो आप देख सकते हैं। ओके, अब इसको लगाने का तरीका है वो देखिए आप। ठीक है, इसको बिल्कुल रगड़ना नहीं है, स्किन को बिल्कुल स्मीरअप करना बस ऐसे। ठीक है, तो लगाने का तरीका सबसे पहले नीचे आओ, नीचे आओ।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिमर अप करना है, बिल्कुल जेल की तरह लगा करके स्किन पे छोड़ना है आपको। ओके, जस्ट अप्लाई करना है आपको कुल मिला करके। और आंख को और लिप्स को बचा करके, अब क्वेश्चन ये आता है कि पीलिंग जेल आपको कब कब यूज़ करना है। अगर आप घर पे हो, अपना मेकअप कर रहे हो और इवनिंग केयर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो फर्स्ट वीक में आपको 3 times यूज़ करना होता है, सेकंड वीक में 2 times और फिर वीकली एक एक बार, क्योंकि ये डेली लगाने का नहीं है। ये आपकी जो स्किन होती है, पोर्स होता है, उसकी जो गंदगी होती है उसको निकालने के लिए होता है ये, ठीक है। और डेली बेसिस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो वीक में 3 times, अगले बार वीकली 2 times और उसके बाद वीक में 1 बार आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन कर देगा। ओके, तो अभी हमने अप्लाई किया 5 मिनट, 5 मिनट आपको ऐसे ही यहाँ पे रखना है। ओके, 5 मिनट के बाद फिर स्किन से कितनी गंदगी निकलती है वो आपको दिखाएंगे। स्किन के जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उसमें जो डस्ट पार्टिकल एंटर कर जाते हैं डेली बेसिस पे, तो उसको ये रिमूव करता है, क्लीन करता है अंदर से जो इम्प्योरिटीज स्किन के अंदर जमा होती है। ओके, और 5 मिनट के बाद इसको हम यूज करेंगे और इसके अंदर कितनी गंदगी होती है वो निकाल के देखेंगे। और इस प्रकार से चेहरे के अंदर आपको लगा करके छोड़ना, ताकि पूरे चेहरे के अंदर ये जेल अच्छी तरीके से अपना काम करे। ओके, रगड़ना नहीं है, रगड़ना बाद में है हल्के हाथों से वो भी। ओके, तो 5 मिनट के लिए इसको हम छोड़ रहे हैं, उसके बाद हम इसको डस्ट पार्टिकल वो आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ओके, 1 मिनट। ओके स्टार्ट। तो 5 मिनट हो चुके हैं पिलिंग जेल को यूज़ किए, 5 मिनट। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से आपको मसाज करना है, ताकि इनके जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो निकल के आ सके। देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, हो रहा है ना महसूस आपको सर? हाँ, निकल रहा है ना। देखो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इम्प्योरिटी कैसे निकालता है। ये देखो, आप खोल के देखो, देख रहे हो, ये चेहरे के अंदर की जो गंदगी है आप देख सकते हो इस तरीके से निकालता है इसको। तो आपको ऐसे ऐसे सिमर अप करना है। देखो, दिखाओ, ये देख सको, वाइट वाइट आप देख रहे हो, ये ऐसे गंदगी निकालता है स्किन के अंदर जो जमा होता है उसको, ठीक है। ये इधर देखो आप, ये वाइट वाइट कलर का जो देख रहे हो ये गंदगी निकालता है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके के देख रहे हो आप, ये अब ये देखो आप, देखो कितना गंदगी है स्किन के अंदर, देखो, ठीक है। ये पीलिंग जेल का रिजल्ट है, स्किन के अंदर जो छुपा हुआ मैल होता है ना, देखो कितना निकल रहा है अंदर से, स्किन को क्लीन कर रहा है पूरा। ये देखो आप, इधर देखो आप, ये देखो, दिख रहा है फोटो में, वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चेहरे की गंदगी निकालता है ये, ठीक है, बहुत देखो। तो ये वाइट वाइट कलर के पोर्स के छिद्र को तक जाता है और वहाँ से जो इम्प्योरिटी होती है ना आपकी स्किन में उसको निकालता है ये। अब नोज के ऊपर देखो आप, ठीक है, ये वाइट वाइट कितनी गंदगी निकाल रहा है, तो आप देख सकते हो स्किन को अंदर तक क्लीन करता है ये।
दिख रहा नहीं, तो आप देख सकते हैं लाइव रिजल्ट इसका पीलिंग जेल का। ओके बहुत ज़्यादा है भाई आपकी तो, कोई नहीं 3-4 बार कर लेना निकल जाएगा सारा। ठीक है तो इस तरीके से आपको हल्के हाथों से मसाज करना है इसको, और तब आपके स्किन के अंदर जो भी गंदगी होती है इम्प्योरिटी होती है उसको निकाल दे। यहाँ से ले, ये देख सकते हैं आप स्किन का, इधर इधर से ठीक है, ये देखो स्किन का कितना अंदर से जो डस्ट पार्टिकल है वो निकाले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे स्किन को क्लीन करता है। और हल्के हाथों से मसाज करना है आपको, जेंटल हाथों से, बिल्कुल रगड़ना नहीं। काफ़ी ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर होते हैं जो बिल्कुल स्किन को रगड़ते हैं, तो एटोमी के प्रोडक्ट में आपको बिल्कुल रगड़ना नहीं, हल्के हाथों से जेंटल हाथों से मसाज करना है आपको। ठीक है, और हल्के हाथों से मसाज करने पर भी जो स्किन की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बाहर निकल के आएंगी, जैसा कि आप लाइव देख चुके हो। देखो जो भी इम्प्योरिटी है आप देख सकते हैं लाइव टी शर्ट्स के ऊपर गिरी हुई है। ठीक है, बिल्कुल व्हाइट कलर के जो आप देख रहे हो, तो अब सर की, टिंकू सर की जो स्किन है फेस की बिल्कुल साफ हो चुकी है। ओके क्लोजली ले लो और क्लोजली बिल्कुल देख सकते हो आप, ये इम्प्योरिटीज़ हैं, देखो इधर से लेके आओ। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इधर देखो ये सारे के सारे स्किन की इम्प्योरिटीज़ है, आप देख रहे हो वाइट 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 फेस। तो अब सर का जो फेस है वो काफ़ी क्लीन हो चुका है, ग्लो कर रहा है, तो इस तरीके से इसके इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं, और ये हर्बल प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको आप हल्के हाथों से मसाज करोगे तो जितने भी इम्प्योरिटी होती हैं वो बाहर आ जाएंगी, और जैसे ही आपकी स्किन के अंदर जो वाइट पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल बाहर निकलना बंद हो जाए तब आप समझ लीजिए कि स्किन क्लियर हो चुकी है। तो 5 मिनट तक आपको एटलीस्ट इसको हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी स्किन की वो आ जाए। ठीक है, हल्के हाथों से, और उसके बाद आपको टिश्यू पेपर से साफ करना है। टिश्यू पेपर से अच्छे से आपको क्लीन करना है। तो आप स्किन देख सकते हो, चारों तरफ से आप स्किन देख सकते हो कितनी ग्लो कर रही है। ओके, इस तरीके से ये इम्प्योरिटीज सारी हम रिमूव कर चुके हैं स्किन के। ओके, अब इसके बाद हम लास्ट में अपना मास्क यूज करेंगे। मास्क ये है पिल ऑफ मास्क। ओके,
पिल ऑफ मास्क का हमें चेहरे के अंदर स्मीर अप करना है चारों तरफ से, उल्टा तो देखिए नाम से ही दिखाओ, नाम से ही दिखाओ टपकना है पिल ऑफ मास्क। ओके इसका देखिए अब इसको कैसे करना है, थोड़ा सा आपको निकालना है यहाँ से और यूज करने का तरीका आपको कैसे करना है तो आप देखिए इसको ऐसे करके स्मीर अप करना है, बस एक लेयर बनानी होती है आपको। आपका जो फोर रेड है वहां तक करना है इसको। ओके और आंख को बचाना है आपको, ठीक है आंख को बचा करके यूज करना है, आंख पे बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से साइड में आप पहले कर सकते हो राउंड। ओके बस इतना। ओके लेडीज जेंट्स दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ इसको लेडीज और जेंट्स दोनों यूज करने का तरीका सेम है, जैसा कि आप डेमो में देख चुके हो तरीका सेम है, लेडीज एंड जेंट्स कोई भी इसको यूज कर सकता है। ओके ठीक है और इसको लगाने के 30 मिनट्स तक आपको सुखाना है इसको। ओके फैन के नीचे 30 मिनट्स तक और उसके बाद इसको रिमूव करना है और रिमूव करने का भी तरीका आपको बताया जाएगा, लाइव दिखाया जाएगा। फ्रंट से लो, फ्रंट से देखो। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप मास्क अप्लाई किया है और 30 मिनट आधा घंटा आपको ये सुखाना है फैन के नीचे बैठ करके और आधे घंटे के बाद इसको निकालना है, 30 मिनट्स के बाद इसको निकालना है। ओके तो 30 मिनट्स के बाद इसको हम निकालेंगे, रिमूव करेंगे। ओके हाँ समीर अप कर थोड़ा, फोम क्लिंजर, फोम क्लिंजर अभी आप देख सकते हैं। नाम क्या है सर? संजू कौशिक। मिस्टर संजू कौशिक ने आल्सो फोम क्लिंजर अप्लाई किया है तो आप स्किन के ऊपर रिजल्ट देख सकते हैं। और थोड़ी देर बाद अभी सर अपना फेस वॉश करेंगे, अब फेस वॉश कीजिए आप। और टू टाइम्स इन्होंने यूज़ किया है और तो रिजल्ट आप देखेंगे अभी। ओके भैया अच्छा लग रहा है भैया। हल्के हाथों से, हल्के हाथों से, ठीक है। अब इधर आइए लाइट में, लाइट में।
तो अब देखो आप स्किन इनका लग रहा है कुछ लग रहा है लाइव देख रहे हैं तो यूज़ करने के बाद कैसा लगा सर फोम क्लींजर? मेरे को तो अच्छा लगा और बाकी काफ़ी फ़र्क पड़ा है फेस में और अभी मैंने मुंह भी धोया है तो देखो पहले थोड़ा काफ़ी काला पानी था ऑयल वगैरह था वो भी निकल गया और दूसरा बात काफ़ी कालापन था ओके देखो पहली बार मैंने यूज़ किया है बहुत अच्छा लगा सर मैं तो यही बोलता हूँ जो भी भाई है सब चीज़ों से साबुन से बढ़िया फोम क्लींजर हाँ एक नंबर की चीज़ है और आप सब यूज कीजिए भाई ओके थैंक यू संजू कौशिक सर और संजू कौशिक सर ने यहाँ पे यूज किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसके लिए थैंक यू सर थैंक यू ले तो अभी 30 मिनट्स हो चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो मास्क है इसको रिमूव कब करना है जैसे कि आप हाथ लगाएंगे तो चिपकेगा नहीं है इसका मतलब ये मास्क आपका ड्राई हो गया सूख गया है ठीक है अब को निकालने का तरीका नीचे से निकालना है ओके तो इस तरीके से आपको निकालने का तरीका भी आना है ठीक है दादा सर सर एक मिनट हाँ जी तो आपको मास्क को राइट वे में निकालने का तरीका है नीचे से ऊपर निकालते हैं हमेशा मास्क को ठीक है ठीक है अब इसको आप यहाँ पे खींच सकते हो आराम से ये तरीका होता है नीचे निकालने का मास्क का ठीक है ओके तो ये निकाल सकते हो इस तरीके से मास्क आपका हाँ ये कोशिश पूरी है और अब सर का जो फेस है वो आप देख सकते हैं ठीक है और सर अपना फेस देखेंगे मिरर में आप देखो ठीक है ये सर का फेस है जो पहले था और अब था इसको थोड़ा सा वॉश कर लो फेस को आप थोड़ा सा